चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। बीकानेर से पूर्व में बीकानेर को राजधानी जयपुर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीकानेर से लगभग 65 किलोमीटर यात्रा तय करने के पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग एक शहरी क्षेत्र में प्रवेश करता है, जिसे श्री डूंगरगढ़ के रूप में जाना जाता है। चारों ओर मरुस्थल एवं रेत के टीलों से घिरे इस शहर में वर्तमान में लगभग 63,000 की जनसंख्या निवास करती है। यह बीकानेर जनपद में बीकानेर एवं नोखा के पश्चात तीसरा सबसे बड़ा शहर है। पूर्व की ओर बढ़ते हुए बीकानेर रोड श्री डूंगरगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण चौराहे घूम चक्कर चौक पर पहुंचता है। घूम चक्कर चौक श्री डूंगरगढ़ शहर का सबसे व्यस्त चौराहा है। यहां बेहद भीड़भाड़ बनी रहती है। यहां से पूर्व की ओर सड़क रतनगढ़ सीकर जयपुर की ओर, पश्चिम की सड़क बीकानेर की ओर, उत्तर की सड़क मुख्य श्री डूंगरगढ़ शहर की ओर एवं दक्षिण की सड़क बीदासर की ओर प्रस्थान करती है। बीदासर की ओर जाने वाली सड़क पर नवीन मंडी का परिसर एवं रेलवे स्टेशन श्री डूंगरगढ़ स्थापित है। श्री डूंगरगढ़ से होकर बीकानेर जंक्शन और रतनगढ़ जंक्शन को जोड़ने वाला रेलमार्ग गुजरता है। यहां से बीकानेर, दिल्ली, रेवाड़ी, चूरू, रतनगढ़, हिसार आदि के लिए रेलगाड़ियां उपलब्ध हैं। घूम चक्कर चौक से उत्तर की ओर श्री डूंगरगढ़ मुख्य शहर में प्रवेश करने वाली सड़क स्टेशन रोड के रूप में जानी जाती है। इस मार्ग के दोनों ओर अनेकों सुंदर भवन, व्यापारिक प्रतिष्ठान कतारबद्ध नजर आते हैं। श्री डूंगरगढ़ बीकानेर जनपद की 10 तहसीलों में एक है। डूंगरगढ़ शहर की स्थापना 1880 में बीकानेर राज्य के निवर्तमान महाराजा श्री डूंगर सिंह जी ने की थी। डूंगरगढ़ शहर को एक सुनियोजित शहर के रूप में विकसित किया गया एवं यह एक तहसील के रूप में बीकानेर राज्य में सम्मिलित रहा। देश की स्वतंत्रता के पश्चात 1949 में राजस्थान राज्य का गठन होने पर श्री डूंगरगढ़ राजस्थान में सम्मिलित किया गया। राजस्थान राज्य के सृजन के समय से ही श्री डूंगरगढ़ शहर बीकानेर जनपद का हिस्सा है। स्टेशन रोड उत्तर की ओर बढ़ते हुए बस स्टैंड पर पहुंचता है। श्री डूंगरगढ़ बस अड्डा से आसपास के शहरों में आवागमन हेतु बस सेवाएं संचालित की जाती हैं। बस स्टैंड से उत्तर में स्टेशन रोड मुख्य बाजार क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है एवं शहर के व्यस्त क्षेत्र पुस्तकालय, गांधी पार्क, मेन बाजार पर पहुंचता है। गांधी पार्क के आसपास के क्षेत्र में ही श्री डूंगरगढ़ का मुख्य बाजार स्थित है। इस क्षेत्र में सदैव भीड़भाड़ बनी रहती है। गांधी पार्क से उत्तर की ओर का मार्ग शहर में अडसर बास मार्ग के रूप में जाना जाता है। अडसर बास मार्ग भी शहर के मुख्य बाजारों में सम्मिलित होता है। इसी मार्ग पर पंजाब नेशनल बैंक की शाखा स्थापित है। श्री डूंगरगढ़ शहर में अनेकों आधुनिक भवन एवं उच्च स्तरीय रहन सहन की झलक स्पष्ट दिखाई पड़ती है। गांधी पार्क से पश्चिम दिशा की ओर हाई स्कूल रोड स्थित है। हाई स्कूल रोड भी शहर के मुख्य बाजारों में सम्मिलित होता है एवं शहर की महत्वपूर्ण सड़कों में एक है। श्री डूंगरगढ़ बीकानेर जनपद अंतर्गत आने वाले 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक है। यहाँ के स्थानीय निवासी बीकानेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करते हैं। हाई स्कूल मार्ग पश्चिम की ओर लूण करणसर मार्ग की ओर प्रस्थान कर जाता है। मेन बाजार गांधी पार्क से पूर्व की ओर प्रारंभ होने वाला मार्ग गौरव पथ के रूप में जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण सड़क मेन बाजार क्षेत्र को सरदार शहर मार्ग से जोड़ती है। लगभग 1.25 किलोमीटर लंबी गौरव पथ सड़क शहर के विकसित क्षेत्रों में सम्मिलित की जाती है। श्री डूंगरगढ़ ने पिछले कुछ वर्षों में जो विकास किया है वह निसंदेह सराहनीय है। गौरव पथ,
अपने पूर्वी छोर पर सरदार शहर मार्ग से जुड़ जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित घूम चक्कर मुख्य चौराहे से पूर्व की ओर रतनगढ़ मार्ग श्री डूंगरगढ़ को रतनगढ़ होकर फतेहपुर शेखावाटी सीकर चौमू जयपुर आदि से जोड़ता है। इसी मार्ग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 फतेहपुर शेखावाटी से झुंझुनू नारनौल रेवाड़ी होकर दिल्ली से जोड़ता है। रतनगढ़ मार्ग पर ही उपजिलाधिकारी कार्यालय तहसील परिसर एवं थाना डूंगरगढ़ का कार्यालय आदि स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसा होने के कारण श्री डूंगरगढ़ राज्य के मुख्य शहरों से सीधे जुड़ा हुआ है। रतनगढ़ मार्ग पूर्व की ओर सरदार शहर तिराहे से होकर रतनगढ़ जयपुर की ओर प्रस्थान कर जाता है। सरदार शहर तिराहे से उत्तर की ओर सड़क सरदार शहर की ओर प्रस्थान कर जाती है। श्री डूंगरगढ़ जैसे विकसित शहर में आना और इसे कैमरे में संजोना एक सुखद अनुभव रहा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। श्री डूंगरगढ़ शहर पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा करें जो श्री डूंगरगढ़ शहर अथवा इसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।